नमस्कार मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यू पी आर बी एल तो फ्रेंड कल मैंने वीडियो डाला था मनगढ़ का इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि मेरी भाभी आई है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ आप लोगों के कमेंट आते रहते कि दे आपके बराबर वीडियो नहीं आ रहे हैं और इसे आप पे देख सकते हो मैं बना रही थी कचौड़ी तो यहाँ मैंने लिया था आटा और साथ में कचौड़ी मसाला और दोस्तों आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करना वाली हूँ तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल आज कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या सही क्या गलत है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ तो दोस्तों जैसे आप लोगों के कमेंट रहते हैं कि दी आप कब मिलवाने वाली हो और कैसे क्या हुआ क्या, क्या क्या प्रोसेस हुए तो मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ साथ में मैंने इसमें अपनी ब्लॉगिंग ऐड की है मतलब जो भी मैं काम अपना घर का डेली रूटीन करती हूँ वो सब शेयर की हूँ और इस टाइम पर दोस्तों मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई क्योंकि बिजी बहुत ज़्यादा हूँ और जैसे आप देख सकते हो ठंड भी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो ठंड लग रही और सुबह सुबह ठंड का माहौल है चलो साथ में शॉल भी लेते हैं तो यहाँ आटे को मैं अच्छे से गूथ के रख दूँगी थोड़े टाइम के लिए फूल जाएगा मतलब फूलेंगे तो खस्ता की जैसे कचौड़ियाँ बनती तो बढ़िया अच्छी सी निकल आएंगी और अपने बेटे के लिए और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि उसको लंच में वही दूँ कि जो वो खा सके अब कभी कभी ये होता कि हम अच्छा कुछ भी बनाओ मगर बच्चे नहीं खाते तो अच्छा नहीं लगता और फिर बच्चे नहीं खाएं तो कोई भी माँ उसका मन ही नहीं मानता लगता कि बच्चे नहीं खा रहे हैं तो चलो मैं ये चीज़ नहीं बनूँ क्योंकि भाई हमने भी देखा है कि जैसे हम लोगों की जो इच्छा रहती थी वही मम्मी ज़्यादातर बनाती थी मेरी तो वैसे होता मैं सबके जर्नलिस्ट सबकी बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा वगैरह लगा के रख दिए हैं और दोस्तों आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि दी आ, उन दीदी का क्या हुआ जो लव मैरिज शादी की हैं उनसे कह दीजिए आप दूसरी शादी कर लें तो फिलहाल तो वो दूसरी शादी नहीं की है अभी उनका केस चल रहा है मगर अभी कुछ सुनवाई नहीं है कहते ना जिसके पास मनी होती सुनवाई उसी की होती है उसकी तो बेचारी के पास मनी भी नहीं हो कैसे भी करके अपना एक बच्चा पाल रही है अब क्या कर रही अगर उसके पास बाप का सहारा माँ का सहारा ना होता तो कहाँ जाती और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने सबसे पहले बनाई है गाय के लिए तो मैं जब भी बनाती हूँ तो सबसे पहले गाय के, के लिए कहते हैं पहले ही रोटी जो होती है रोटी हो या पूड़ी हो या कचौड़ी हो कुछ भी बनाए वो गाय के लिए होता है और जो लास्ट में होती है वो कुत्ते के लिए तो लास्ट में क्या होता है कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो एक दो रोटी तो बच ही जाती है तो वो लास्ट का वो कुत्ता ही खाता है और सुबह जब मॉर्निंग में जब भी बनाते हैं तो गाय के लिए ज़रूर बनाते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो अच्छा यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दी है स्पीड इस, इस वजह से बढ़ा दी थी क्योंकि मतलब वीडियो तो मैंने लगा के रख दिया अब इतना लंबा खिस्ता चला गया फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता आप लोग फिर फुल वाज भी नहीं करते और बोलते दी आपका वीडियो बहुत लंबा है तो जिसकी वजह से मैंने सोचा चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ स्पीड बढ़ा देती हूँ और इस टाइम पे जब मैं एडिट कर रही हूँ तब रात के आठ बजा वॉइस होर एडिट किए हुए तो मुझे लगभग हो गया एक से दो घंटे हो रहे हैं मगर मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैं वॉइस ओवर आप कर रही हूँ और यहाँ पे फूली फूली और प्यारी प्यारी कचौड़ियाँ कितने लोगों को देख के मुँह में पानी आ रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फ़िलहाल तो और आज की डेट है आज शनिवार है बहुत लोगों के यहाँ कल कार्तिक पूर्णिमा है और हमारे यहाँ तो परसों है क्योंकि भाई कहते हैं हिंदू धर्म में उदया तिथि ली जाती तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ परसों होगी क्योंकि कल कहते हैं दोपहर से लगेगी अब आप लोगों में से कब किसके यहाँ है प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये भी और कितने लोग जैसे कहते हैं ना छोटे में क्या था जैसे हम अपने गांव में रहते थे तो मम्मी मेरी क्या करती थी कि रात में उठ के हम लोग सारा खाना वाना सब जल्दी से क्योंकि मैं तो छोटी थी मम्मी है जैसे भाभी वगैरह सब लोग बनाती थी तो फिर उसके बाद हम लोग चार बजे गंगा नहाने जाते थे और कहते सूर्य भगवान जब निकलते हैं उसके पहले ही गंगा नहा लो तो वो पुण्य मिलता कल का नहाया हुआ जैसे साल भर कोई ना नहाया हो तो कल नहा ले मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो उस दिन मतलब उसको पुण्य मिलता है ऐसा बोला गया अब क्या सही क्या नहीं क्योंकि भाई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बनाई है सब्ज़ी बना रही थी कटहल की दोस्तों मुझे कटहल की सब्ज़ी इतनी प्यारी लगती है आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है मुझे कटहल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और कटहल और चावल इसके आगे मुझे शाही पनीर पनीर सब फीकी लगती है क्योंकि इतना मुझे अच्छा कटहल लगता है और कटहल को मैंने पहले ही फ्राई कर लिया है फ्राई करके इसको प्लेट में निकाल लिए हैं और इसमें सारे मसाले तो मैंने मिक्स मसाले सब कुछ ऐड करके डाला वाकई में कटहल बहुत ही टेस्टी बना था और फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे क्या हुआ है उनकी तो बच्चा है और बच्चा है इस टाइम पे हो गया चार साल का बच्चा हो गया वो खुद ही उसको पालती है अकेले खुद उसका सेवन करती है उसके हस्बैंड से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है दोस्तों जब यही सब करना था तो क्यों उसके उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की यही कहते हैं कि लाइफ में सब कुछ करना मगर कभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना और ना ही कभी मतलब शादी करना देखो एक इंसान ही समझता है मगर उस इंसान के ऊपर कुछ नहीं कहते हैं जब बच्चे हो जाते उसके बाद घर का माहौल चेंज हो जाता है सब लोग चेंज हो जाते हैं मगर यहाँ पे तो उल्टा ही असर हुआ और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरी सब्ज़ी फटाफट मतलब मैं इसको मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ और मसाला जब तेल छोड़ने लगता है अच्छी सी बढ़िया सी खुशबू आने लगती है तब मैं इसमें मतलब कटहल जो फ़्राई करके रखी इसमें ऐड कर देती हूँ और मस्त एकदम मस्त लगता है तो ये सारे मसाले हैं मैं सब कुछ ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे सब स्पीड मतलब मैंने इतनी जल्दी बढ़ा दी है जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा कौन सा मसाला है मगर तो जितने मिक्स मसाले होते हैं लास्ट में मैंने डाला है सब्जी मसाला सब्जी मसाला राजेश सब्ज़ी मसाला डालो इसका इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इससे इसको डालने से Uh, मतलब कटहल हो या फिर और कोई सब्जी हो अलग ही टेस्ट होता है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो और हाँ दोस्तों आप लोगों से हमेशा की तरह बस यही रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि चावल है ये चावल बिने थे मगर चावल में क्या जिसे रख दो तो इसमें पापा चढ़ जाते हैं या हमारे यहाँ घुन भी बोलते हैं बहुत लोगों के यहाँ पापा बोलते हैं तो दोनों एक ही चीज़ है तो वही चढ़ जाते हैं तो इनको मैं देख रही थी और अच्छे से मैं पानी से धुलती हूँ तो जो इसके घुन रहते हैं वो बराबर से बाहर हो जाते उतरा जाते तो इसके वजह से वो बाहर चले जाते फिर इसके बाद दोस्तों अच्छा दोस्तों आप में से कितने लोगों ने और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ और इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है ज़्यादा नहीं मैंने हल्का सा डाला था रिफाइंड वाइट वाला जो कि जिससे फिर उसके बाद इसको चढ़ा देंगे इस साइड तो एक एक बनाएंगे मतलब गैस में और इधर बना रहे हैं हम इंडक्शन में तो दोनों मेरे एक साथ पकेंगे जल्दी से फटाफट पक जाएंगे और क्योंकि सुबह का टाइम इतना कम टाइम रहता और इतने कम टाइम में मुझे सारे काम निपटाने रहते और फिर दोस्तों कल देख सकते हैं कल हम लोग गए थे गंगा आरती में और यहाँ पे देखो पंडित जी जो है आरती हो गई थी आरती होने के बाद आरती दिखा रहे हैं सारे लोग ले रहे थे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है तो यहीं पर मिलता है कहते हैं कुछ टाइम मतलब भगवान के पास निकालो तो अच्छा फील होता है क्योंकि एक हाउस वाइफ़ हैं और या कोई मतलब हाउस वाइफ हो या फिर कोई आदमी हो जो कि मतलब हमेशा सिर्फ काम ही काम रहता कुछ टाइम ऐसे रहते जिसमें थोड़ा सा भगवान के लिए निकाला जाए तो अच्छा है फिर तो इसके बाद हम लोग गए मंदिर और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मंदिर तो यहाँ से सारे लोग ले रहे हैं प्रसाद और प्रसाद उसाद लेने के बाद हम लोग जाएंगे मंदिर और यहाँ पे लेटे हनुमान जी हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही है तो अब उसके बाद हम लोग यहाँ प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर ये मेरा बेटा है और साथ में बेटी है और मस्ती करते हुए अंदर भगवान के मतलब अंदर जाते हैं और यहाँ पे पंडित जी लगाते हैं ये सबके टीका लगाते जो ये बैठे हुए हैं तो सबसे पहले शायद बेटे के लगाएँ फिर बेटी के लगाएँ मेरे लगाएँ तो हम लोगों ने और फिर बेटू मेरे लटक रहे थे घंटियाँ बजाने के लिए फिर उसके बाद मैंने घंटियाँ बजाई और फिर उसके बाद आप देख सकते हो हम लोगों ने पूजा पाठ सब कुछ कर लिया और साथ में पानी का एक बोतल लेके गए थे क्योंकि बच्चे जब छोटे रहते तो ये जाहिर सी बात है भैया बोतल तो लेके ही जाना क्योंकि बच्चे कब पानी मांगे कुछ कहा नहीं जा सकता और फिर यहाँ पे भगवान को देख सकते हो हनुमान जी और और यहाँ बिट्टू मेरी बिट्टू और बेटू जब हम लोग मंदिर के बाहर आ गए क्योंकि मैं ज़्यादा वहाँ नहीं बनाई तो बेटू और बिट्टू दोनों लोग सीढ़ियों पे लटक लटक के मतलब वो घिस आगे को स्लाइड कर रहे थे बोले मम्मी मैं आगे जाऊँगा वो बोले मम्मी मैं आगे जाऊँगा तो दोस्तों इस वीडियो को यही करती हूँ और कल मिलती होगा अच्छे वीडियो में तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रख